नार्को टेररिंग के आरोप में 6 कर्मचारियों को उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया। 5 पुलिसकर्मी और एक टीचर को ड्रग बिक्री के जरिए आतंकवाद के वित्त पोषण में शामिल होने के आरोप में बर्खास्त किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन ने इन कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए कार्रवाई की। जांच से पता चला है कि वो पाकिस्तान की ISI और उसकी धरती से संचालित होने वाले आतंकी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे नार्को टेरर नेटवर्क का हिस्सा थे। कुलगाम के काजीगुंड इलाके में टोल पोस्ट लवर मुंडा के पास पुलिस चौकी जवाहर टनल के अंतर्गत कुलगाम पुलिस को एक शव मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए आपातकालीन अस्पताल काजीगुंड भेज दिया गया है। मृतक की पहचान जनहाल बनिहाल के अब्दुल हामिद बेग के बेटे यासिर हामिद बेग के रूप में हुई है। मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कारगिल के कबड्डी नाला में हादसा पेश आया जिसमें एक इमारत ढह गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस घटना में 12 लोग घायल हुए और सभी सुरक्षित हैं तथा उन्हें जिला अस्पताल कारगिल में भर्ती कराया गया है। लद्दाख पुलिस द्वारा त्वरित बचाव अभियान शुरू किया गया और इन घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। बिश्नोई रिंग रोड पर एक बार फिर सड़क हादसा पेश आया है जिसमें बस और ट्रक के बीच में टक्कर हुई। हादसे में बस सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें उपचार के लिए GMC जम्मू ले जाया गया है जहां उनका इलाज जारी है। गौरतलब है कि सड़क मार्ग पर आए दिन इस तरह के सड़क हादसे होते रहते हैं। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के हाजिन कस्बे के विजपारा गांव के कुंदजी मोहल्ले के निवासी पिछले 5 सालों से गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। संबंधित अधिकारियों से बार बार गुहार लगाने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है जिससे निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। निवासियों ने पानी की कमी की समस्या का स्थायी समाधान न होने पर अपनी निराशा व्यक्त की है। उनका दावा है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से संपर्क किया लेकिन उनके प्रयासों से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। लोगों ने जल्द उनकी समस्या के समाधान की मांग की। विपक्षी दलों ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधनों को वापस लेने की मांग को लेकर सर्वदलीय संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जम्मू में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जम्मू में महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन किया और जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके अधिकार वापस देने की मांग की। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए तरुण चुग ने कहा कि चुनाव की घोषणा करना चुनाव आयुक्त का काम है। भाजपा आने वाले चुनाव के लिए तैयार है और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी भाजपा बहुमत हासिल करेगी। चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर CCI के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कई मुद्दों को लेकर प्रदेश प्रशासन की सराहना की और उपराज्यपाल का आभार व्यक्त किया। अरुण गुप्ता ने इस वर्ष श्री अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड यात्रियों के आगमन पर भी खुशी व्यक्त की। इस दौरान नई बस्ती दुकानदारों को दी गई राहत, गैर मुमकिन खर्च पर आए फैसले व अन्य ऐतिहासिक फैसलों के लिए उपराज्यपाल की सराहना की गई और भविष्य में भी इस तरह लोगों के हित में काम करने की उम्मीद जताई गई। आम आदमी पार्टी नेता ओम प्रकाश खजूरिया ने जम्मू में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर चिंता जताई है। ओम प्रकाश खजूरिया ने कहा, इस समय एक तरफ गर्मी अपना कहर बरपा रही है, दूसरी तरफ लोग बिजली की कटौती से परेशान हैं। उन्हें जल्द इस ओर ध्यान देने और लोगों को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति देने की मांग की। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चल रहा है। रामगढ़ में नगरपालिका के अधिकारियों द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के तहत एक पेड़ शहीदों के नाम शहीद गुरदीप सिंह सोनी के स्मारक पर पेड़ लगाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नगरपालिका के एग्जीक्यूटिव अधिकारी ने कस्बे के लोगों को अपने कस्बे में साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखने और कचरा डस्टबिन में डालने का संदेश दिया।